फिर से हमारे स्टूडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी लोग घरों में होंगे, मैं भी घर पे हूँ, और होप आप लोग जो है सुरक्षित होंगे घरों में, अपने परिवार के साथ में होंगे, सबका ख्याल रख रहे होंगे। और जैसा कि अनलॉक होने वाला है कई शहरों में, जहाँ पर जो है केसेस कम हो रहे हैं वहाँ पे जल्दी ही अनलॉक होगा, हमारे मध्य प्रदेश में भी होगा। तो मैम साहब से मैं कहना चाहूँगा कि लाइट चली गई है, फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप ना जाइए, आपके लिए लॉकडाउन ही है। जिसको काम पर जाना है, जॉब में जाना है, जिसको अपनी दुकान खोलनी है, अपना ऑफिस चलाना है, उसके लिए अनलॉक खुल रहा है, मजबूरी है, काम करना है, रोजी रोटी कमानी है, वो जाए और जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों आइए मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग जो है बहुत दिनों से कुछ अनबॉक्स नहीं कर पाए थे, लेकिन एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम था जो बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला सोनी का मॉडल है, और वो वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ा कि इस पर इतने कमेंट आए और लोगों ने कहा कि इस पर इसको अनबॉक्स करिए, इसको अनबॉक्स करिए। हालांकि उसके वीडियो थे दोस्तों, इस पर इतने कमेंट आए कि मुझे उस पर वीडियो बनाना पड़ा और उसको अनबॉक्स करके मैंने उसके फीचर्स बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनी का SAD40। तो दोस्तों आइए मैं दिखाता हूँ सोनी का SAD40। SAD40 जो है सोनी का 80 वाट का मल्टीमीडिया स्पीकर है, 4.1 चैनल पे आता है, ब्लूटूथ है, USB है, ऑक्स है, और बेस तो उसका बहुत ही नासू है। मैं उसको अनबॉक्स करूँगा, सेटअप करूँगा, और सेटअप करने के बाद में उसका जो है साउंड टेस्ट भी आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स सोनी का ये SAD40 मॉडल है, मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम, 80 वाट ब्लूटूथ, USB प्लेबैक कर सकते हैं, वायरलेस रिमोट मिलता है साथ में, और इसमें स्टीरियो मिनी इनपुट है, ऑक्स से भी आप इसको चला सकते हैं और TV कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स के साथ। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है, 1 ईयर वारंटी है इसमें, मॉडल नंबर वगैरह सब प्रिंटेड रहता है, सीरियल नंबर प्रिंटेड रहता है। इसको आपको इसी में रहने देना है। ये इसका पावर एडाप्टर है, इसी से इसके बेस में सप्लाई दी जाएगी। अठारह वोल्ट का ये इसका मैनुअल, ये कुछ एसेसरीज में आपको सेल मिल जाते हैं रिमोट के, ये ऑक्स की केबल है, और ये अडाप्टर की कॉर्ड, ये अडाप्टर में लगाना आपको। ये आपका रिमोट है, इसमें बैटरी प्रोवाइडेड है साथ में, इसको लगा देंगे खोल के। पहले अनबॉक्स कर लेते हैं।
ये देखिए इसके 1, 2, 3, 4 और स्पीकर्स हैं, दो फ्रंट में लगते हैं, दो बैक साइड में। इसकी वायर्स भी हैं साथ में। इनके सभी स्पीकर एक जैसे होते हैं, कोई भी किसी भी पोर्ट में लगाया जा सकता है, सारे पोर्ट एक जैसे होते हैं। तो फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट से कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी स्पीकर किसी भी इसमें लगा सकते हैं। इसको फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग सारे स्पीकर खोल लेते हैं। काफी ग्लॉसी लुक है। ये वॉल में हैंग करने के लिए बना हुआ है, हैंग कर सकते हैं और आप इसको रख भी सकते हैं, टेबल टॉप भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे टेबल टॉप करेंगे। फ्रेंड्स, दो स्पीकर हमने जो है ये फ्रंट वाले हो गए और ये स्पीकर जो हो गया ये रियर के हो गए। हमने अभी यहाँ पे साथ में ही रख लिए हैं साउंड टेस्ट करने के लिए। आइए इसको बेस को भी टेबल टॉप कर लेते हैं। तो हम यहां पे रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब मेरे ख्याल से ठीक से दिख रहा होगा कि एक बेस हो गया, दो फ्रंट स्पीकर हो गए, दो रियर स्पीकर हो गए। ये आपको दिख रहे हैं चार सॉकेट जो कि आपको स्पीकर में देने हैं और एक पावर सप्लाई आपको ये साइड में यहां पर देनी है। ये अडाप्टर ले लेते हैं और इसकी ये जो है पावर कॉर्ड है, इसको लगा लेते हैं। ये मैं इसको पावर दे देता हूं। इन सबको खोल लेते हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग प्लग कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसको टेबल टॉप किया है डेमो के लिए, लेकिन आपको जो है इसको वॉल माउंट करना है तो ये वॉल माउंट हो जाएगा। इसको लेकिन आपको एक बेस देना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको कहीं साइड में वॉल पे लगाना तो उसके लिए स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो आप ऐसे जैसे हमने रखा है वैसे ही आप टेबल पे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये प्रोवाइडेड है पैड। ये जानते हैं क्या है? बहुत लोग इसको घर पे ले जाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते और फेंक देते हैं। अगर आप टेबल पे रखना चाहते हैं तो इसका बहुत महत्व है। इसको छोटे छोटे
टुकड़े हैं, आप देखिए इसमें ये छोटे छोटे टुकड़े हैं स्क्वायर में, ये इनको निकाल करके सब एक एक करके ये निकल जाएंगे और इनको जो है आपको यहाँ पे लगाना है। ये जब आप रखेंगे तो ये फिसलेंगे नहीं सरफेस पे और ये आराम से कहीं पर भी रखेंगे तो चिपक जाएंगे और जब आप हटाएंगे तभी हटेंगे। फ्रेंड्स ये रिमोट है और इसमें अपन ये सेल डाल लेते हैं। रिमोट में सेल लगा लिया हमने और इसका साउंड टेस्ट करेंगे। मैं इसको ऑफ से लगाना चाहता हूँ, साउंड देखना चाहता हूँ कि कैसा आता है। ब्लूटूथ से साउंड तो अच्छा ही आता है। फंक्शन बटन को ही दबाना है। टीवी वाला जो है वही ऑक्स है, ऑक्स पे कर दिया मैंने और अब मैं अपने लैपटॉप से चला के देखता हूँ कोई सॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह से एक से बढ़ के एक वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और वो आपको लाते रहें तो आपको पता चल जाए। और अब मुझे दोस्तों जाना पड़ेगा, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।